ग्वालियर पुलिस द्वारा त्योहारों के मौसम को देखते हुए लगातार कॉम्बिंग गश्त गश्त नाइट गश्त की जा रही है। इस दौरान संदेहास्पद लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। बीती रात ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के कुलपति निवास के पास भी कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने दो युवकों को देसी तमंचा और 10 चिंदा राउंड लेकर घूमते हुए दबोचा है। आरोपी जितेंद्र जाटव और दौलत राम सोलंकी शहर के थाटीपुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लेते हुए बरामद हथियार के संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी थाने के अंतर्गत दो बदमाशों को पकड़ा है। इसमें चूंकि त्योहारों को देखते हुए ग्वालियर पुलिस के द्वारा लगातार पुलिस निरीक्षक के द्वारा लगातार स्थान बदल कर स्वयं बदल कर चेकिंग लगाई जा रही है, जिसमें कि कल रात को 1 से 2 बजे के बीच कुलपति निवास के सामने चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 1:30 बजे करीब एक एक्टिवा में दो बदमाश दो व्यक्ति दिखाई दिए, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा। उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन जब उनको पकड़ के उनके और उनकी तस्दीक की गई, उनकी तलाशी ली गई, तो एक व्यक्ति कब्जे से एक 315 का कट्टा लोडेड था और उसकी जो पेंट की जेब से 4 जिंदा राउंड मिले। दूसरे व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 5 जिंदा राउंड मिले। कुल मिलाकर 10 राउंड मिले हैं और 315 का कट्टा मिला है। इसमें से एक व्यक्ति जो दोनों थाटीपुर के निवासी है, जिसमें एक व्यक्ति थाटीपुर का स्टेशन भी है और संभवतः कई पटना में फरार होगा, तो उसका भी हम रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। कुल मिलाकर थाना यूनिवर्सिटी में इसमें आर्म्स एक्ट के तहत केस सर्च किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और लगातार इस तरह की त्योहारों को देखते हुए चेकिंग और तलाशी अभियान लगातार जारी रहेगा।